वेलकम बैक लवलीज़। एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि मैं लेटर देने क्यू के घर जाता है। उस लेटर में क्यू जो बोलता है मिन वो लिखता है। क्यू कहता है कि मिस्टर कांचा तुम्हारा बेटा हमारे पास है, अगर तुम अपने बेटे को सेफ देखना चाहते हो तो जो लिखा है वो करो। मिन लेटर बॉक्स में डालता है। क्यू का डैड पढ़ता है, सबसे पहला पुलिस या मीडिया को इस बारे में मत बताना, दूसरा 10 लाख कैश तैयार रखना और इंतज़ार करो जब तक हम तुम्हें कॉन्टैक्ट नहीं करते, और तीसरा सारे केस छोड़ दो जो तुम सॉल्व कर रहे हो। अगर तुमने ये शर्तें पूरी नहीं की तो तुम्हारे बेटे की सेफ्टी का हमें कुछ पता नहीं है। क्यू का डैड लेटर को फेंक देता है। रात को मिन ड्रामा देख रहा होता है। क्यू आकर बेड पर सोने लगता है। मिन अपना हाथ करता है। क्यू कहता है क्या है, आज रात मैं अपनी साइड सोऊंगा, मुझे ऐसे सोना अच्छा लगता है। मिन कहता है अगर तुम ऐसे सोओगे तो हम हाथ कैसे बांधेंगे। क्यू हाथ बांधता है। मिन स्माइल करता है। क्यों सोने लगता है, उसका सिर बेड से टकराता है और वो दूसरी ओर फेस करके सो जाता है। मिन कहता है क्या सारी रात मुझे ऐसे सोना पड़ेगा। क्यों कहता है तो क्या हाथ खोल दें। मिन कहता है अगर तुम नींद में चलोगे तो हम क्या करेंगे, किसकी जिम्मेवारी होगी, मेरी ना, चलो अच्छे से सो, ये रहा तुम्हारा इनाम। और क्या तुम्हारे डैड ने लेटर पढ़ा होगा। क्यों कहता है कि मुझे लगता है कि उसे पढ़कर वो केस छोड़ देगा, सो जाओ। क्यों सोता है। मिन ड्रामा देखता है। ड्रामा में गोली चलने की आवाज़ आती है जिससे क्यों डर जाता है। मिन याद करता है क्यों पहले भी गोली की आवाज़ से डरा था। मिन कहता है कि तुम गोली की आवाज़ से इतना डरते क्यों हो। क्यों कहता है कि तुम इतनी केयर क्यों करते हो, तुम उन चीज़ों के बारे में चिंता करते हो जो ज़रूरी नहीं है, मैं सोता हूँ। मिन कहता है किसने कहा कि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। मिन हेडफोन्स लगाकर ड्रामा देखता है। क्यों मिन की ओर देखता है। मिन कहता है क्या है। क्यों सो जाता है। 2 दिन बाद क्यों न्यूज़ देखता है। एक औरत कहती है कि आज सुबह पुलिस ऑफिसर कांचा ने बताया कि वो सबूत ढूंढ रहे हैं वेयर हाउस वाले केस के बारे में, और वो और ज़्यादा पुलिस लगा रहे हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए। कांचा मीडिया से बात करता और कहता है कि हम जल्दी ही सबूत इकट्ठा कर लेंगे। वहीं मिन प्रैक्टिस करता है। क्यों वहाँ आकर बैठ जाता है। मिन कहता है कि तुम्हारे डैड ने क्या केस नहीं छोड़ा अभी तक। क्यों कहता है हाँ। मिन कहता है उसे कॉल करें। नकली आवाज़ निकाल कर लगता है उसने लेटर नहीं पढ़ा। क्यों कहता है कि उसने पढ़ा था, पर क्यों उदास होता है। मिन कहता है बॉक्सिंग करोगे। मिन क्यों को ग्लव्स पहनाता है। क्यों कहता है कि ध्यान से पहनाओ, और मिन को पंच मारता है। मिन कहता है कि तुमने मुझे पंच क्यों मारा। क्यों एक और पंच मारता है और कहता है कि एक्टिंग मत करो, चलो उठ जाओ। मिन उठकर कहता है कि अब मैं सीरियस हूँ। वो एक दूसरे को प्यार से पंच मारते हैं। क्यों हंसता है। उसके बाद नर्स मिन की बाँह पर चेक करती है और कहती है कि अब ये ठीक है। मिन बिल देकर आता है। मिन को सुआ की कॉल आती है। सुआ कहता है कि यादा ने मुझे तुमसे पूछने को कहा कि क्या तुम काम के लिए तैयार हो। मिन मैन को कहता है कि कल से मैं नए काम पर जाऊंगा। मैन कहता है क्या काम। मिन कहता है रेस्टोरेंट में, और अपना अच्छे से ध्यान रखना। मैन कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ। क्यों कहता है कि मैं उसका ध्यान रखूँगा। वो घर आते हैं। क्यों कहता है कि तुम हम पर भरोसा नहीं करते, मुझे पता था। जीन खाना लेकर आती है। मिन कहता है कि थैंक यू जीन, तुम्हारे आने से मेरी चिंता कम हो गई, मैन का ध्यान रखना। और क्यों को कहता है कि कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। क्यों कहता है ठीक है। मिन जाता है। मिन ब्लैक सूट पहनता है। सुआ कहता है कि तुम्हारा काम है अपने एरिया को ऑर्डर में रखना, पहले सब प्यार से ठीक करने की कोशिश करना, अगर ना माने तो आखिर में फोर्स यूज़ करना जरूरत पड़ने पर। मिन कहता है ठीक है। सुआ मिन को गन देता है। मिन अपने काम पर लगता है। दूसरी ओर वो तीनों मिन की मूवी देखते हैं। जीन कहती है कि मिन बाइक चलाते हुए कितना हैंडसम लगता है। क्यों कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो मिन है, हमें बस उसका नेक ही दिखा। जीन कहती है कि ये देखो उसके गले पर तिल है, और उसकी बॉडी के बारे में उसके कंधे कितने बड़े हैं। क्यों याद करता है कि मिन उसे उठाकर लेकर आया था अपने कंधे पर। जीन कहती है कि बॉडी भी अच्छी है और वो हमेशा दूसरों पर ध्यान देता है और अपने आसपास वालों को प्रोटेक्ट करने को तैयार रहता है। क्यों कहता है कि मुझे तो वो कूल नहीं लगा। मैन कहता है मुझे भी। क्यों टीवी की ओर देखते हुए मुस्कुराता है। मैंने नाराज सा लगता है। क्यों कहता है कि क्या हुआ बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने कहता है जीन मुझे कूल क्यों नहीं मानती जैसे वो मिन को मानती है, मैं उसे हर रोज़ होमवर्क करवाता हूँ। क्यों कहता है कि तुम जीन को लाइक करते हो। मैंने कहता है नहीं। क्यों कहता है कि झूठ मत बोले, मैंने देखा तुम्हें उसे देखते हुए जब हम मूवी देख रहे थे। मैंने कहता है ठीक है मैं उसे लाइक करता हूँ, पर किसी को मत बताना। क्यों कहता है कि जीन को अच्छा लगा जब मिन बाइक चला रहा था। क्यों मैन को कहता है कि तुम्हें याद है जो मैंने कहा। मैन कहता है हाँ, मैंने धीरे धीरे बाइक चलाता है, बारिश भी होती है, रात को वो घर आते हैं। मिन कहता है कि तुम लोग कहाँ गए थे। क्यों कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। मिन कहता है कि मैंने पूछा तुम मेरे भाई को लेकर कहाँ गए थे। क्यों कहता है कि बाइक चलाना सीखने। मिन कहता है क्या तुम्हें पता है उसकी बीमारी का रिस्क कितना है, अगर उसे कुछ हो जाता कौन जिम्मेवार होगा। जीन कहती है कि कोई रिस्क वाली बात नहीं थी। मिन कहता है क्या तुम्हें पता है जीन मैं तुम पर कितना भरोसा करता हूँ, पर तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका, मैं निराश हूँ तुमसे। मैन
कहता है कि पीमिन बस करो, मैंने बस बाइक चलाई, इतना तो डॉक्टर भी मुझे नहीं रोकते जितना आप रोकते हो। मिन कहता है मैं वरिड हूँ तुम्हारे लिए। मैन कहता है मुझे ऐसे लॉक करके मुझे कुछ नहीं करने देना, क्या तुम मुझे इंसान समझते भी हो, तुमने कभी मुझे नहीं समझा। मैन जाकर रूम को लॉक करके बैठ जाता है। मिन कहता है कि बाहर आकर बात करो, ठीक है अगर तुम्हें नहीं करनी, पर डोर लॉक ना करने की बात की थी हमने, अगर कुछ हो गया तुम्हें खतरा हो सकता है। मिन जीन को कहता है कि लेट हो गया तुम घर जाओ। जीन जाती है, क्यों कहता है कि क्या हमने इतनी बड़ी गलती कर दी कि तुम इतना गुस्सा हो रहे हो सब पर। मिन कहता है कि मैं दिन रात काम करके पैसे कमाता हूँ और सबका ध्यान रखता हूँ, पर तुम ये सोचते हो, तुम मेरे भाई को बाहर लेकर गए, उसे रिस्क में डाला और अब मुझे ब्लेम कर रहे हो गुस्सा होने पर। क्यों कहता है कि क्या रिस्क, किसी को चोट नहीं आई, ज़्यादा ड्रामेटिक मत बनो, हम सब खुश थे घर आकर तुम्हें देखने से पहले। मिन कहता है कि तुम खुश थे क्योंकि तुम किसी और की फीलिंग्स की केयर नहीं करते, तुमने मेरे भाई के बारे में नहीं सोचा, अगर उसे कुछ हो जाता तो। क्यों कहता है कि तुम हो जो दूसरों की केयर नहीं करते, क्या तुमने मैन को खुश देखा आज, तुमने कहा तुम अपने भाई के लिए ये सब कुछ कर रहे हो, क्या तुम श्योर हो। मिन जाकर मैन को कहता है कि खाना खा लो फिर दवाई खा लेना। अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, मिन डोर को तोड़कर अंदर जाता है, मैन को ज़मीन से उठाता है, वो मैन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। क्यों मिन को बुलाता है, मिन कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, डॉक्टर कहता है कि मैन को बस कोल्ड हुआ है, वो ठीक हो जाएगा। मिन कहता है कि आइए उसकी दिल की बीमारी से नहीं जुड़ा है, डॉक्टर कहता है नहीं। डॉक्टर जाता है, मिन कहता है सॉरी गुस्सा होने के लिए और जीन तुम्हें जाने को कहने के लिए। मैन कहता है मैं हैप्पी था आज, मैंने बाइक चलाना सीखा। मिन कहता है मैंने सुना तुमने बहुत ज़्यादा स्माइल किया। जीन कहते हैं कि इसे देखो। वीडियो में क्यों कहता है कि मिन अपनी आंखों से देखो, तुम्हारा भाई तुमसे भी ज़्यादा कूल है। मैन कहता है ये सब क्यों ने सिखाया, उससे सॉरी कहना। मैन कहता है कि वो बड़ा है, उसे सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। घर में मिन मैन के रूम में घूमता है, मैन कहता है कि अपने रूम में जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे रूम का डोर नहीं है तो क्या तुम कभी भी आ जाओगे। मिन कहता है मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ। मैन कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे सोने दो अब जाओ। मिन अपने रूम में आकर कहता है कि क्यों मैंने वीडियो देखी, थैंक यू मैन को खुश करने के लिए। मिन देखता है कि क्यों को बुखार होता है, मिन कहता है मैं दवाई लेकर आता हूँ, पर क्यों उसे रोककर कहता है कि सॉरी मैन को ले जाने के लिए। मिन कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ और सॉरी, अपना ध्यान रखना, मैं दवाई लेकर आता हूँ। इसके साथ रोहमिन गीला कपड़ा लाता है और क्यू को कहता है कि शर्ट उतारो मैं तुम्हें साफ़ कर देता हूँ, और क्यू की शर्ट उतारता है, क्यू की बाहों को साफ़ करता है। क्यू प्यार से मिन की ओर देखता है, मिन क्यू की बॉडी को साफ़ करता है और वे एक दूसरे की ओर देखते हैं। मिन क्यू को टी शर्ट लाकर देता है और उसे पहनाता है। क्यू टी शर्ट देखता है और कहता है कि तुम तो इसे बचा कर रखते थे, और याद करता है जब मिन ने वो टी शर्ट छीनी थी। मिन कहता है कि पहने रखो ये वार्म है, तुम्हारा फीवर जल्दी उतर जाएगा। क्यों मिन की बाहों में सिर रख कर सो जाता है। वो एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। क्यों कहता है कि मैंने तुम्हारी तरह कूल बनना चाहता है, उसने कितनी बार आज कहा कि अगर तुम वहाँ होते तो ज़्यादा मज़ा आता। मिन कहता है अगर तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता तो मत बोलो। क्यों कहता है ये सच है, मैन को पता है ये सब तुम क्यों कर रहे हो, मुझे लगता है तुम बहुत अच्छे भाई हो। मिन मुस्कुराता है और कहता है कि मेरे पास बस मैन है, मैंने खुद को संभाला, उसे बड़ा किया, मुझे नहीं पता कैसे बच्चे को संभालती है, तो मैं डरता हूँ उसकी ज़िंदगी बिगाड़ने से, और जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा है उसके लिए या नहीं। क्यों कहता है अगर मेरे पास कोई ऐसा हो जो मुझे ऐसे प्यार करे जैसे तुम मैंने को करते हो तो मैं ज़िंदगी में कुछ और नहीं मांगूंगा, और दवाई खा लेना, तुम्हारा फेस रेड है। क्यों मिन के दिल को टच करता है और सो जाता है। अगली सुबह मैन कहता है ये तो मैंने मिन के लिए खरीदी थी। मिन कहता है क्यों को फीवर था तो ये टी शर्ट वार्म थी तो मैंने उसे दे दी। जीन आकर कहती है कि मिन काम पर नहीं गए। मिन कहता है कैसे जाऊँ, घर बीमार रोगों से भरा है तो मुझे उनकी देखभाल करनी है, उसके बाद वो साथ में मूवी देखते हैं। जैसे ही गोली चलने वाला सीन आने वाला होता है, मिन क्यू के कानों पर हाथ रखता है और वो एक दूसरे की ओर देखते हैं। मिन कहता है अब और सीन नहीं है गोली चलने का। क्यू मिन के बालों को प्यार से टच करता है, मिन उसे खाना खिलाता है, फेस भी साफ करता है और स्माइल करता रहता है। आगे हम 3 साल पहले की कहानी देखते हैं। क्यू अपने सपनों से बहुत ज़्यादा डरता है। क्यू तभी जाग जाता है और मिन की ओर देखकर स्माइल करते हुए मिन को गले लगाकर सो जाता है। दूसरी ओर क्यू के डैड को मैसेज आता है जिसमें क्यू की फ़ोटोज़ होती हैं। उसका डैड लिखता है कि थैंक यू उस पर नज़र रखने के लिए। तभी उसे कॉल आती है, वो आदमी कहता है मुझे सबूत मिल गए हैं कि मेरा बेटा बेगुनाह है। क्यू का डैड कहता है क्या तुम पूम हो। पूम कहता है हाँ, क्या आप मिल सकते हो आज मुझसे। क्यू का डैड कहता है कहाँ मिलना चाहते हो। वहीं मिन क्यू के लिए खाना लाता है। क्यू कहता है मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता। मिन कहता है पता है, इसलिए तो मैं स्नैक्स लेकर आया हूँ, ये ले लो। क्यू कहता है कि रुको मैं नेल काट लूँ। मिन उसे स्नैक्स खिलाता है और क्यू के फेस को साफ करता है। क्यू कहता है कि ये तो तिल है। तभी मैन कहता है क्या ये ज़रूरी है। मिन कहता है तुम कब से यहाँ हो। मैन कहता है जब उसका पहला नेल कटा। उसके बाद वो एक्टिंग करते हैं और क्यू अपनी लाइंस को बोलता है और कहता है कि मैंने तुम्हें इतना परेशान किया, तुम फिर भी मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो।
इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।